गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बापरे आज ज़ॉम्बी वाला बैकग्राउंड है। वेरी गुड इवनिंग। वो कल एक्चुअली मैं स्पेस में गया था ना, तो वहां मुझे जादू मिल गया, तो जादू ने मुझे पावर दे दिया ज़ॉम्बी बनने का। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो कल मैंने आपको एक दिया था, एक होमवर्क। जी सर। आई होप आपने किया हो, जिसका आंसर मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। सर बहुत डाउट है। हाँ सर, बहुत डाउट। बहुत डाउट है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा था ठीक से। शाबाश, ये हुआ अच्छा क्वेश्चन, समझ में नहीं आया। ओके चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या समझ में आया। अगर आपको मैं रिकॉल कर लेता हूँ इसको, प्रोविजन को, उसके बाद फिर डायरेक्टली जो हमने कल सॉल्व आपको दिया था उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल जो हमने समरी चार्ट देखा था उसमें हमने क्या किया, हमने उसको तीन सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। एक हमारा आर ओ आर के लिए, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा हमारा नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे क्या, कि जो रेसिडेंट ऑर्डिनरी वाला है ना, उसके लिए सिर्फ एक ही जगह बेनिफिट है। कहाँ पर? लास्ट वाले केस में। मतलब क्या, जहां पर आप प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स की इनकम को इंडिया में रेबिट करते हो तो आपको टैक्स नहीं देना। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी अगर सिचुएशन हो तो आपको टैक्स का पैसा देना पड़ेगा। ये एक चीज माइंड में रख लेना, अगर रेसिडेंट है नॉर्मल वाला, उसको हमेशा टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया की इनकम हो चाहे फॉरेन की इनकम हो, ठीक है, वो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी। एंड अगर हम बात करें इसी तरीके से नॉन रेसिडेंट की, तो नॉन रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशन में उसको टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कौन सा दो सिचुएशन, अगर पैसा इंडिया में रिसीव हुआ या फिर इनकम उसने इंडिया में कमाई, बस ये दो चीज खाली ध्यान रखना। नॉन रेसिडेंट के केस में अगर इंडिया में इनकम रिसीव हुई तो टैक्सेबल, इंडिया में अर्न हुआ, कमाया इंडिया में तो टैक्सेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी बाकी सारे सिचुएशन उसके लिए क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। समझ में आ गया आपको? देखिए नॉट टैक्सेबल, ठीक है। एंड अगर हम बात करें रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसके लिए भी तीन सिचुएशन है। पहला सिचुएशन, अगर इंडिया में रिसीव हुआ टैक्सेबल, इंडिया में अर्न हुआ कमाया तो टैक्सेबल। एंड तीसरा चीज, इसको मिला बाहर लेकिन जो बिजनेस से मिला या जो प्रोफेशन से मिला वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा था, तो उसके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी सिचुएशन हो तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, ठीक है। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व किया है? ओके तो देखिए, सबसे पहला हमारा आता है कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्री रूपक मिश्रा। अब सिचुएशन हमको ये बोल दिया कि अगर ये रेसिडेंट है तो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या होगा, एंड नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा, आपको वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आ जाता है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये आपका एग्जेम्प्ट है। ये कल मैंने आपको फिर ग्रुप में शेयर भी किया था, एक हिंट दिया था, ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10, ठीक है। 10 में बहुत सारी ऐसी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है, तो उसी में से एक इनकम आपका है डिविडेंड इनकम, इंडियन कंपनी की एग्जेम्प्ट। अब चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन रेसिडेंट को क्यों मिलता है। द फैक्ट इज जो डिविडेंड इंडियन कंपनी से आपको मिलता है ना, वो टैक्स कट कर आपको मिलता है। मतलब ये मान कर चलो कि अगर इंडियन कंपनी आपको 105 रुपए डिविडेंड देने वाली थी तो वो क्या करेगी, 5 रुपए टैक्स का काट लेगी और आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए डिविडेंड देगी। यानी कि एक कंसेप्ट है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है ना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोल के एक टैक्स है जो कि
कंपनी ऑलरेडी आपको जो देती है डिविडेंड उससे काट लेती है और सरकार को जमा कर देती है. इट मींस आपको जो डिविडेंड इनकम मिलती है दिस इज ऑलरेडी टैक्स्ड, इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स कर चुका होता है. एंड जो हमने पढ़ा था इनकम टैक्स का फीचर क्या, नो डबल टैक्सेशन, कोई भी एक सिंगल इनकम के ऊपर दो टैक्सेशन दोबारा नहीं हो सकता. दैट इज, तो इसीलिए तीनों केस में हमारा क्या हो गया, ये एग्जेम्प्ट हो गया. उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया, हमेशा फोकस करना पैसा कहां मिला. सबसे पहले अगर पैसा इंडिया में मिला ना तब तो चाहे बिजनेस चाहे मंगल ग्रह पे करो कोई फर्क नहीं पड़ता. इंडिया में मिला ना हम तो टैक्स लेंगे भैया, इनकम टैक्स को बर्दाश्त नहीं होता. आपको इंडिया में मिला, हम देख रहे हैं आपको मिला, तो टैक्स भी दो. तो रिसीव्ड इन इंडिया, तो भैया चाहे बिजनेस जापान का हो चाहे अफगानिस्तान का हो पाकिस्तान का हो, डजंट मैटर, तीनों केसेस के लिए क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा. देन नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम पाकिस्तान बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया. अगर ऐसा कुछ होता है इंडिया से कुछ कंट्रोल होता है बिजनेस और प्रोफेशन, तो दो लोगों के लिए टैक्सेबल होगा. एक कौन, नॉर्मल रेसिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट. अभी जस्ट मैंने डिस्कस कराया था, तो ये रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी के केस में टैक्सेबल हो जाएगा. नॉन रेसिडेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसको इसके ऊपर टैक्सेबल नहीं करेंगे हम. तीसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, सॉरी इन इंदौर, इंदौर मतलब इंडिया में है, तो यहां से जो इनकम मिलेगा वो क्या हो गया, एक्रूड इन इंडिया, इंडिया में अराइज हुआ. तो भैया अगर इंडिया में अराइज हुआ तब भी हम नहीं देखेंगे कि आप इंडिया के हो कि नहीं हो, ठीक है, तीनों में टैक्सेबल. देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रेसिडेंट मिस्टर रहीम. मिस्टर रहीम बोलकर एक नॉन रेसिडेंट है जिससे हमको इनकम क्या हुआ, इंटरेस्ट का इनकम रिसीव्ड हुआ. किस चीज के लिए हुआ, ऑन लोन प्रोवाइडेड टू हिम. हमने उसको, एक नॉन रेसिडेंट है मिस्टर रहीम, हमने उसको लोन दिया था और हमको इंटरेस्ट मिला फॉर अ बिजनेस कैरिड इन इंडिया. इंडिया में एक बिजनेस कर रहा था नॉन रेसिडेंट जिसको हमने लोन दिया था और वो क्या किया, उसके बदले हमको इंटरेस्ट दिया. तो यहां पर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, वो है आपका इंडिया. दैट्स व्हाई तीनों के लिए टैक्सेबल. उसके बाद इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन अमेरिका, बाहर ही हुआ, जो कुछ हुआ बाहर हुआ. सर फिफ्थ पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए ना. फिफ्थ पॉइंट फिर से देखो, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, फिर से टेबल देखो, कौन सी ऐसी इनकम है जो सबके लिए टैक्सेबल है, सिर्फ स्टार्टिंग की ये दो इनकम देख पा रहे आप लोग, ये दो इनकम दोनों के लिए टैक्सेबल है, सॉरी मतलब सबके लिए टैक्सेबल है. क्या क्या, या तो इनकम रिसीव्ड हुई इंडिया में, या डीम्ड टू बी रिसीव्ड हुई इंडिया में, या फिर इनकम आपने कमाया इंडिया में. याद है कल हम डिस्कस किए थे एक्रूड और अराइज इन इंडिया का मतलब, मतलब जो ओरिजिन जहां पर है इनकम का, जो ओरिजिन कंट्री है वो देखा जाएगा, ठीक है. अगर इंडिया में आपने पैसा कमाया या इंडिया में आपने पैसा रिसीव किया, उन केस में हम सबसे पैसे ले लेंगे, सबकी इनकम को टैक्सेबल कर देंगे इंडिया में, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना. अब आ जाओ हमारे इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने रिसीव किया, ठीक है, फ्रॉम नॉन रेसिडेंट मिस्टर रहीम ऑन लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर अ बिजनेस कैरिड इन इंडिया. मतलब मिस्टर रहीम जो है, ये मिस्टर रहीम, ये एक इंडिया में बिजनेस किया. इस बिजनेस को चलाने के लिए मिस्टर रहीम ने, मान लो कौन सा हमारा एसएससी, श्री रूपक मिश्रा, ठीक है, श्री रूपक, हाँ ये हमारे हो गए श्री रूपक मिश्रा, ठीक है. इनसे इन्होंने क्या किया, लोन लिया, तो इसने इसको क्या दिया, लोन दिया, किस चीज के लिए, इस बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है. तो इंडिया का बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया और फिर वो क्या क्या, इसी बिजनेस से फिर इसको क्या पे किया, इंटरेस्ट पे किया. नाउ
मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बताओ, मिस्टर रूपक को ये जो इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है, इसका सोर्स कहाँ पर है? इंडिया। इंडिया, बस बात खत्म। फिर चाहे आप देसी हो चाहे विदेशी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता भैया, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो क्या हो गया, इसीलिए तीनों केसेस में इसको टैक्सेबल कर दिया गया। अभी समझ में आपको? ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन अमेरिका, मतलब दोनों चीज बाहर हुआ, कमाया भी बाहर और मिला भी बाहर। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो पाप किया होता है जिससे पैसा लिया जाता है। कौन है वो पापी इंसान? नॉर्मल रेसिडेंट, वो भी नॉर्मल वाला, नॉट ऑर्डिनरी नहीं, सिर्फ नॉर्मल वाला। तो ये इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी दोनों के लिए नहीं होगा। अब उसके बाद अगर यही चीजें को यहां पर जो क्या बोल रहे हैं, रेमिटेड टू इंडिया, हमने एक तो पढ़ा था ना कि अगर इंडिया में रेमिटेंस करोगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो कौन सी इनकम होनी चाहिए? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की, है ना। इट इज एज्यूम दैट यहाँ पर जो लिखा है यला, सिर्फ प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन करता कि ये जो इनकम रिसीव हुआ उसको 5 साल पहले हुआ था, 5 साल पहले उसको इनकम हुई थी, उसको भी हम अगर रेमिट कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर इसके लिए भी क्या हो जाता? जीरो हो जाता। इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो हो जाता। बात समझ में आई? एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको ऐसे वर्ड सब देखे कंफ्यूज करता है, तो बच्चे के माइंड में क्या रहेगा, हाँ रेमिटेंस वाला सबके लिए एग्जाम था, तो बच्चा गलती कर देगा। ध्यान रखना, अगर प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, फिर से टेबल दिखा रहा हूँ, वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपने कमाया भी बाहर, रिसीव भी बाहर हुआ, लेकिन कब हुआ? इन द ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, जो प्रिसीडिंग, जो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में आपने कमाया होगा और वो पैसा आप ला रहे हो, तो ही वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया, ये भी आपका एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10। हालांकि हम अभी क्लास में सेक्शन 10 की कुछ बात नहीं किए हैं, तो जितना हम पढ़े हैं उसके बेसिस पे अगर आपने यहाँ पर इनकम को लिखा है तो आप तब तक सही हो, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम उसको डिस्कस नहीं किए थे। बट अभी आप लोग अपने नोटबुक में सुधार लो, अगर आपने उसको लिखा है प्लीज स्ट्राइक कर दो, कुछ भी लिखे उसको प्लीज स्ट्राइक कर दो और लिख दो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, और तीनों के केस में क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसको टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझ गया ना कि नहीं समझे? पहले बताइए सर, पार्टनरशिप में जो इनकम होगा वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, पर पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। देखो ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, सुनो मेरा, सुनो, सेक्शन 231 हमको एक बात बता के गया था, पर्सन कौन कौन होते हैं, जिसमें हमने देखा इंडिविजुअल होता है, HUF होता है, फर्म होता है, कंपनी होती है, AOP BOI होता है, लोकल अथॉरिटी होती है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं। जब ये डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे तभी हमारे को ये बता दिया गया कि भैया इंडिविजुअल अलग होता है और उसका फर्म अलग होता है। इंडिविजुअल आदमी अलग है, उसका पार्टनरशिप फर्म अलग है, समझ में आया? तो पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या हो रहा है, ध्यान देना, कहां भाग गया मैं, हाँ ये मेरा पार्टनरशिप फर्म का P&L, ठीक है, यहां पर मेरा आ गया 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स पेड बाय हुम? बाय द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो मान लो ये इनकम हुआ था इनका 1,00,000 रुपए, इसमें टैक्स पार्टनरशिप फर्म ने दे दिया कितना, 10,000 रुपए, बैलेंस जो 90,000 बचा, क्या ये ऐसा इनकम है जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स कट चुका है, हाँ या ना? Yes, sir. अब यही इनकम आपस में पार्टनर लोग बांट लिए, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, इसको मिल गया 45,000, इसको मिल गया 45,000। अब इसको जो मिला, अगर मैं इसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करूं तो मिस्टर बी हो चाहे मिस्टर ए हो, इसका तो इनकम हो गया ना ये। अब इस इनकम के अगर मैं दोबारा से अगर टैक्स लगा दूं तो गौर से देखिए, ये जो टैक्स लगा इस इनकम के ऊपर लगा, और ये इनकम यहां से आई है और इस इनकम के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका था, तो भैया बात क्या हो जा रही है, बात हो जाएगी आपकी डबल टैक्सेशन की। तो ऐसे
जो आपको शेयर मिलेगा आपके पार्टनरशिप फर्म से, उसको क्या बोल दिया गया, भैया इसको आप कर दो एग्जेम्प्ट इनकम, उसके ऊपर और दोबारा से टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि उस इनकम के ऊपर पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तो इसीलिए जो पार्टनर है अब वो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देगा। समझ में आ गया अभी? यस सर। ओके यस सर। देन उसके बाद तो यहां पर जी क्या हो गया, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया। अब आगे देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन अमेरिका। मुझे ये बताओ, हाउस प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो इससे इनकम भी जनरेट कहां होगी, इंडिया में। इंडिया। अब उसका पैसा आप उसको लखनऊ में दो, लंदन में दो, मंगल ग्रह में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, कमाया कहां पर, सोर्स कहां पर है, इंडिया में। तो भैया आपको टैक्स भी कहां देना पड़ेगा, इंडिया में। तो इसलिए तीनों के लिए टैक्सेबल हो गया ये वाला। कल एग्जांपल दिए थे युगांडा वाला। हाँ यस, कल मैंने मानस का एग्जांपल लिया था युगांडा वाला। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई। भैया एक इंडियन कंपनी है, उस इंडियन कंपनी से आपको क्या मिला, इंटरेस्ट का पैसा मिला। सेम एग्जांपल इसके जैसा हो गया, देखो ये जो आपने था ना एक नंबर 5, उसके जैसे हो गया। देखो इंडिया की एक कंपनी है जो आपको इंटरेस्ट का पैसा दे रही है, कंपनी कहां की है, इंडिया की, वो इंटरेस्ट दे रही है, तो क्या हो जाएगा आपका, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट का जो पैसा है ना, ये इंटरेस्ट का पैसा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज द सोर्स ऑफ इनकम इज इंडिया। समझ में आ गया आपको? देन नेक्स्ट द लास्ट वन इज कैपिटल गेन ऑन एग्रीकल्चर लैंड एट अजमेर। इसके बारे में डिटेल में हमको कब पता चलेगा, जब हम एक तो सेक्शन 10 पढ़ेंगे, प्लस जब हम पढ़ेंगे हमारा कैपिटल गेन का चैप्टर। ठीक है, आपको छोटा सा हिंट देता हूं, उसमें बोला गया है अगर एग्रीकल्चर लैंड होता है तो उसको बेचने से कोई भी आपको टैक्स का पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोला गया, कैपिटल गेन आपको हुआ, आप एग्रीकल्चर लैंड बेचे, आपको कैपिटल गेन हुआ, और वो लैंड कहां पर था, अजमेर में था, एंड अजमेर एक बसा बसाया टाउन है पूरा। तो अगर टाउन के अंदर कोई अगर एक अगर एग्रीकल्चर लैंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे अर्बन एरिया में है, मीन्स अगर आप उसको बेचते हो तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये चीज आप लोग को नहीं पढ़ाया गया था, बता रहा हूँ उसको, ये चीज आपको नहीं पढ़ाया गया था, तो आप लोग अगर यहाँ पर उसको कुछ और भी अगर ऐसे लिखे होंगे तो वो एक पर के लिए माफ है, बट अभी समझ लो कि एग्रीकल्चरल लैंड अगर आप अर्बन एरिया वाला बेचते हो उसके ऊपर अगर आपका फायदा होता है तो टैक्स भी देना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये लैंड कहां पर है, ये अजमेर में है, अजमेर कहां पर है, इंडिया में है, तो इंडिया के एसेट को बेचकर आपने पैसा कमाया तो भैया आपको टैक्स देना पड़ेगा। याद कीजिए कल वोडाफोन वाला केस पढ़े थे हम, द ट्रांसफर ऑफ एसेट कैपिटल एसेट्स इन इंडिया, अगर आप उसका कोई भी डील कर रहे हो तो आपको टैक्स भी इंडिया में देना पड़ेगा। तो इसीलिए तीनों के लिए टैक्सेबल हो गया। लेकिन अगर ये बोल देता कि आपका एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अर्बन नहीं, वो रूरल एरिया में था, तो फिर उसको माफ कर देते। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समझ में आ गया, कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है, किसके लिए नहीं, बोलो सर। और म्युनिसिपैलिटी का कितना होता है ना सर, ओ मतलब रूरल एरिया भी म्युनिसिपैलिटी के अंदर जाएगा तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा। पढ़ेंगे जब हम कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसका लिमिट पढ़ेंगे, वहां पर आएगा 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे पूरा उसका रेडियस बनाया गया रहेगा, तब उसको डिस्कस करेंगे, समझ में आएगा। फॉर द टाइम इतना इसको रखो। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका। अच्छा मुझे ये बताइए, किस किस ने नंबर 1 सॉल्व कर लिया था? सिर्फ एक, दो हो गया, सिर्फ दो लोग, 3। ओके फाइन, गलत बात है लेकिन सॉल्व किए थे, कोई दिक्कत नहीं, अटेम्प्ट तो करो, गलत होगा बात की बात है, बट क्योंकि देखो सीधा सा बात है, अगर आपने कल नोटिस किया होगा ना तो कल रात को ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे मैंने आपके साथ आंसर शेयर किया था,
इट मींस मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैं आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ ना मैं। तो अगर मैं रात को 11, 11:30, 12 बजे तक अगर बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, तो उस चीज का प्लीज आप ध्यान रखो और सॉल्व करो। आप ही के लिए क्या था कि आपको रेफरेंस मिल जाएगा। फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये क्लास ऑनलाइन करना आपका पूरा वर्स्ट है, कोई फायदा देगा नहीं आपको, सिर्फ मेरा लेक्चर बाजी। अगर आपको सुनना है सुन के रह जाओगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। आगे देखिए, अब आते हैं हमारे दूसरे नंबर पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर सकते हो और एग्जाम से पहले प्लीज इस नंबर को सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या किया बोलो। सर मेरा इसमें से पहला डाउट ये सर, जो जयराम जो है सर नॉन रेसिडेंट है, तो फिर हम उसको आरओआर आरएनओआर क्यों एज्यूम कर रहे हैं, फिर क्यों एज्यूम कर रहे हैं? हे भगवान, क्वेश्चन है क्या आपके पास? हाँ, आई होप आप सबके पास क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का प्लीज लास्ट वाला पार्ट देखो ना क्या लिखा हुआ है। इनकम रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 2019-20। ना ना वेट, मुझे वो क्वेश्चन निकालने दीजिए। कहाँ गया वो क्वेश्चन? यस, आई थिंक ये क्वेश्चन, हाँ लास्ट में लिखा है कंप्यूट हिज टोटल इनकम इफ जयराम इज अ रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। पढ़ पा रहे आप लोग? आपको जो तीसरी फोटो मैंने भेजी थी क्वेश्चन की, उसमें लिखा हुआ है ना? ना, सबको देख पा रहे हो? जरूरत क्या था? जरूरत क्या था सुनो मेरे भाई, जयराम बोल के एक नॉन रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट ने वर्ड यूज नहीं किया, उसने क्या बोल दिया उसको? अ फॉरेन नेशनल, है ना, फॉरेन नेशनल बोल के ऐसा वर्ड यूज किया। ओरिजिनल क्वेश्चन सिर्फ इतना था, तो पहले तो बच्चे को यह समझना पड़ेगा फॉरेन नेशनल मतलब क्या। सिंपल सा लॉजिक लगाते तो भी इसका मतलब पता चलता कि फॉरेन का रेसिडेंट है, इट मीन ये नॉन रेसिडेंट है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन सिर्फ इतने तक था, लेकिन आपको पता है हम इंडियंस कॉपी पेस्ट में बहुत माहिर हैं। जब बंदे ने इस बुक को बनाया वो क्या किया, क्वेश्चन ये सिर्फ फॉरेन नेशनल वाला लिया, लेकिन बाद में उसको लगा चलो और 2-3 तो इसमें सिचुएशन ऐड कर देते हैं ताकि सामने वाला और मेहनत करेगा। तो उसने क्या किया, लास्ट में 3 लाइन और चिपका दिया। मान लो कि अगर वो रेसिडेंट होता, आरओआर होता, एनआर होता, तो क्या होता? कुछ नहीं होता, आपके दिमाग का दही होता, दैट्स इट, उतना सा बात है। एंड जस्ट बिकॉज, क्योंकि क्वेश्चन में पहले वो फॉरेन नेशनल बोल दिया ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या बोला, तीनों सिचुएशन से सॉल्व करो कि अगर वो आरओआर है तो क्या, आरएनओआर है तो क्या और एनआर है तो क्या। एंड क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया तो क्वेश्चन तो भैया हमारे लिए क्या होता है पता है आपको? भगवान। जो क्वेश्चन बोला मान लो वही करना पड़ेगा आपको, हाथ जोड़ना और स्टार्ट कर देना। तो ये पहला वाला पार्ट खत्म आपका। इस क्वेश्चन में बहुत मेहनत लगा है, पूरा दिमाग का दही हो गया। चलो अच्छा है ना, होना चाहिए ना, तभी तो सीखोगे चीजों को। अब मुझे पहले ये बताइए आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन नंबर 2 को किस किसने अटेम्प्ट किया है? सही हुआ गलत हुआ बात की बात है, बट किस किसने अटेम्प्ट किया है जेन्युइनली, ईमानदारी से बताइए। प्रणति, शताक्षी, आशीष, सिर्फ 3 लोग? अच्छा दीक्षा भी है, ठीक है ओके। अब देखिए, अच्छा प्रणति पेरा, वेरी गुड। मानस बाबू आप क्या कर रहे हो फिर? नहीं सर मैं नहीं किया। करो ना भाई, नहीं करने से कैसे होगा? आज बहुत होमवर्क था सर कॉलेज का, कॉलेज का बहुत होमवर्क था। वर्क क्या? अच्छा ठीक मेरे भाई, बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में अगर तुम इनकम टैक्स को अगर इग्नोर कर रहे हो तो रिजल्ट डिजास्टर। नहीं सर, नहीं नहीं कर, आज थोड़ा सर बहुत टैक्स दे रहे हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप लोग मैच्योर हो चुके हो, आपको अपना सही गलत पता है, किसको पढ़ना चाहिए किसको नहीं पढ़ना चाहिए वो आपका डिसीजन। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन था हमारा, कंप्यूट करने बोल दिया टोटल इनकम किसका, मिस्टर जयराम का, जो कि नॉन रेसिडेंट है।
अब क्वेश्चन में नॉन रेसिडेंट अगर सिर्फ बोलता तो चलता, लेकिन बाद में वो क्या बोल दिया, तीनों सिचुएशन से सॉल्व करो, तो भैया ऊपर लिखे गए जो नॉन रेसिडेंट है ये हमारे लिए क्या हो गया, अब इररिलेवेंट हो गया ये बातें। ठीक है, अब देखिए अब हमको और क्या करना है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा है, खाली एक चीज देखना, इनकम कहाँ कमाई हुई, बस। अगर इंडिया में रिसीव हुआ तो टैक्सेबल, इंडिया में अक्रू हुआ तो टैक्सेबल, ये क्या हो गया। देखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क रिसीव्ड इन न्यूयॉर्क, तो भैया इनकम आपकी कहां पर है, न्यूयॉर्क में है, पैसा कहां मिला, न्यूयॉर्क में मिला। ठीक है, तो इस वाले सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान पापी है जिसको टैक्स देना पड़ेगा, कौन, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उसके लिए मैं टैक्सेबल, बाकी दो को मजा है, उनका कोई नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो लोग अपना रेस्पेक्टिव देश में टैक्स उसका दिए होंगे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन सी ऐसी एक इनकम है जो रेसिडेंट नॉर्मल वाले के लिए एग्जेम्प्ट है, सिर्फ एक है वो, कौन सी बताओ। उसके अलावा कुछ भी इनकम हो, आग बंद करके सीधा टैक्सेबल मार देना, आंसर सही होगा आपका। अब देखिए, इनकम फ्रॉम कोलकाता बिजनेस, अच्छा भैया बिजनेस अगर इंडिया में है तो भैया उसकी इनकम कहाँ जनरेट हुई, इंडिया में, अगर इंडिया में इनकम जनरेट हुई उसके बाद तीनों में लिख दो और आगे क्वेश्चन पढ़ो ही मत। ठीक है, अब वो कंट्रोल कहाँ से कर रहा है, सिंगापुर से कर रहा है कि मतलब माउंट एवरेस्ट से कर रहा है, छोड़ दो, इनकम बिजनेस कहाँ, इंडिया, तो इंडिया में होगा, तीनों के लिए फटाफट टैक्सेबल इनकम में डाल दो। ये वाला आंसर सबने सही किया होगा, yes, अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये वाला पार्ट, ये डेंजर है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बहुत। क्या कह रहा, देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, मशीनरी बेचकर हुआ, और कैसे हुआ, इन कैलिफोर्निया, कहां पर हुआ, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, मतलब क्या, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया वाला केस हो गया। अब इस केस में क्या बोल दिया, आधा पैसा आपको इंडिया में मिला, 90,000 का था उसका आधा पैसा आपको इंडिया में मिला, तो आधा पैसा अगर इंडिया में मिला तो भैया वो रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो हम फिर कुछ नहीं देखेंगे, अगर आपको इंडिया में मिला टैक्स लगा देंगे, तो ये 45,000 तीनों के लिए टैक्सेबल, एंड बैलेंस जो 45,000 था वो नॉर्मल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो गया। समझ में आपको, पर सर ये तो आया ही नहीं ना इंडिया में, बाहर ही रिसीव हुआ, बाहर ही। मैं क्या बोला, हाफ रिसीव्ड इन इंडिया लिखूं, हाँ हाफ रिसीव्ड है। अरे देखो, अगर मान लो 90,000 का वहां पर टोटल सेल्स हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये वाला इनकम, अच्छा वो पहला वाला केस, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हमेशा टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी के लिए नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं होगा, तो इट मींस इंडिया वाले के लिए तो पूरा का पूरा 90,000 आपको बुक करना पड़ेगा। अब इसने फिर क्या कर दिया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा दिया, बोलता हाफ इंडिया में रिसीव हुआ, तो भैया अगर इसका हाफ इंडिया में रिसीव हुआ तो इट मींस ये लोग को भी 45,000 हाफ इंडिया में मिला होगा ना, अगर इंडिया में रिसीव हुआ तो जितना रिसीव हुआ उतना तो टैक्सेबल है, और बाकी 45,000 जो कि उनको बाहर मिला उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन इस वाले पापी इंसान के ऊपर, इसको 45,000 रुपए बाहर मिला, 45,000 रुपए उसको इंडिया में मिला, दोनों ही दोनों टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया, था थोड़ा कंफ्यूजिंग, ये वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था आपके क्वेश्चन में, यस, पहला वाला ही आरओआर का ही रॉन्ग हुआ, सिर्फ 45 लिखा था मैंने, वही ना, आप जैसे आपने क्या पढ़ा, हाफ रिसीव्ड, हाँ हाफ रिसीव्ड, चलो कर लो, लेकिन याद कीजिए जब हम पढ़ रहे थे उसमें बोला था कि भैया एक्रूड भी अगर होता है, रिसीव हुआ बात की बात, अगर एक्रूड भी हो गया ना तो भैया आपको देना पड़ेगा टैक्स, समझ में आया ना, तो भले ही वो 90,000 उसका प्रॉफिट हुआ, 45,000 इंडिया में मिला, और बाकी 45,000 अगर अभी भी अगर एक्रूअल भी है, एक्रू हो गया, टैक्स दे दो भैया, समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट है, अभी भी डिस्कस किए थे, तो तीनों के केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट के आता है। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ढाका, ढाका कहां पर है, बांग्लादेश,
सर इंडिया में भी है। सर इंडिया में भी है। इंडिया में ढाका कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड में ढाका है? हाँ सर। हाँ सर मैंने भी सर्च किया गूगल में तो दिखा रहा था। ना ना यहाँ ये ढाका तो बांग्लादेश का ही भाई, मैं तो आप पहले बार सुन रहा हूँ ऐसा। कोई छोटा मोटा गांव होगा? नहीं है, इंडिया में भी है लेकिन। ठीक है तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। इफ यू एज्यूम्ड कि ये ढाका इंडिया वाला ढाका है तो सबके में टैक्सेबल हो जाएगा। इफ यू एज्यूम्ड ये ढाका बाहर वाला ढाका है तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों के लिए नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो है ये कैपिटल है ना सर? हाँ बांग्लादेश का कैपिटल है, इसीलिए मैं भी वही सोचकर इसको सॉल्व किया हूँ और आपके बुक में भी ऐसे सॉल्व किया है। और कोई ढाका छोटा सा कोई छोटा गांव या छोटा मोटा कोई अब डिस्ट्रिक्ट खोज रहे हो तो फिर वो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। आप अगर ऐसा करते हो आपका आंसर सही होगा, लेकिन आपको आंसर नीचे लिखना पड़ेगा नोट में, वी एज्यूम दैट दिस ढाका बिलोंग्स टू इंडिया रांची झारखंड वाला, इस टाइप में आप मेंशन कर दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। बट राइट नाउ हम इसको इंडिया के बाहर का सोचे और हमने सिर्फ नॉर्मल के लिए टैक्सेबल किया, बाकी दो के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया। आपने इंडिया वाला सोचे किया है तो आपका आंसर सही है। समझ में आ गया? ठीक है तो आप आंसर जहां आपका खत्म हो रहा है उसके बीच नोट लिख दीजिएगा, नोट वी एज्यूम दैट दिस ढाका बिलोंग्स टू इंडिया, खत्म बात। देन आगे, गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव इन फॉरेन करेंसी। अब फिर आपको और क्वेश्चन घुमाया, हाफ रिसीव्ड इन इंडिया। तो भैया सीधा सा बात है, अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है ना तो उसको एग्जेम्पशन दिया गया है, उसको हम आपके इनकम नहीं मानते, तो वो तीनों के केस में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये चीज अगर आप इसको टैक्सेबल कियोगे तो आपका आंसर मैं सही मानूंगा, क्योंकि हमने इस चीज को डिस्कस नहीं किया है। ये चीज हम कब पढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में हमारा आएगा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, गिफ्ट वाला सेक्शन आएगा। उस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा गिफ्ट टैक्सेबल होगा, कौन कौन सा गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। शादी में मिला है कुछ गिफ्ट तो टैक्सेबल नहीं होगा, बर्थडे पार्टी में रिलेटिव लोग से मिल गया तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ने दे दिया बर्थडे पार्टी में तो टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन होगा हमारा जब हम अदर सोर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो राइट नाउ ये जान लो, रिलेटिव बोल के वर्ड बोल दिया तो भैया ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और तीनों केस में हमने क्या कर दिया, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, तो मतलब ये आउटसाइड इंडिया हो गया। ठीक है, आउटसाइड इंडिया तो सिर्फ और सिर्फ आरओआर में टैक्सेबल, बाकी दो में टैक्सेबल नहीं होगा। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो मैंने बताया था पहले दो के लिए खाली टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं होगा, तो इन दोनों के लिए टैक्सेबल हो गया, आरओआर के लिए भी और आरएनओआर के लिए भी। समझ में आपको किसी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज बताइए, फटाफट बताइए। नो सर। ठीक है, अब जिन लोगों ने होमवर्क नहीं भी किया था उन लोगों को बोलता हूं मैं कि अभी डिस्कस हो गया है, अब प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से। एंड यस, चीटिंग मत कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत आप ही को होगी। ठीक है, तो चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं और आगे का हमारा स्टार्ट करते हैं।